बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। तो आज का सेशन जो है वो मेरा एक इंजेक्शन है सेफक्विन के नाम से, तो उसके बारे में है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुननी है और इंशाल्लाह आपको इस सेशन के अंदर इस इंजेक्शन के बारे में मैक्सिमम जो है वो टेक्निकल और बिल्कुल आसान वर्ड्स में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आप मैक्सिमम जो है वो लर्न कर पाएंगे सेफक्विन इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये मेरे पास इंजेक्शन पड़ा है, सेफक्विन इसका नाम है। ये गाजी ब्रदर कंपनी है, उसने पाकिस्तान के अंदर इसको लॉन्च किया है। अगर हम सेफक्विन के अंदर फार्मूले की बात करें तो इसके अंदर सेफक्विनोम जो है वो एंटीबायोटिक इसके अंदर जो है इसकी फार्मूलेशन में मौजूद है। और अगर उसकी मिकदार की बात करें तो 1 ml के अंदर 25 mg सेफक्विनोम सल्फेट जो है वो मौजूद है। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं इधर आपको बताना चाहूं कि सेफक्विन के ऊपर एक छोटा सा वर्ड TM लिखा हुआ है। तो सेफक्विन नाम है और TM का मतलब ट्रेडमार्क, तो ये ट्रेडमार्क को जो है वो शो करता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके अंदर जो फार्मूला है सेफक्विनोम उसके बारे में थोड़ी सी टेक्निकल लेकिन आसान सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सेफक्विनोम बेसिकली आप सब दोस्त जानते हैं कि ये फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरेंस के अंदर जो है ये आता है। ये आपको पता है एंटीबायोटिक है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ भी ये असर करेगा और ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के खिलाफ भी जो है वो असर करेगा। और इससे अगली बात जो है, ये एक सेमी सिंथेटिक जो है एंटीबायोटिक है। अब यहां पर लफ्ज आ गया सेमी सिंथेटिक, तो सेमी सिंथेटिक का मकसद ये है कि ये जो एंटीबायोटिक है ये बेसिकली एक नेचुरल सोर्स से इसको हासिल किया गया है, लेकिन उसको केमिकली थोड़ा सा उस पर तब्दीली लाई गई है, तो उसको जो है हम सेमी सिंथेटिक कह देते हैं। मतलब कि नेचुरल प्लस केमिकल का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम जो है वो सेमी सिंथेटिक का नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, ये एक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है। ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसकी तोड़ फोड़ करता है और बैक्टीरिया की लाइसिस करके उसकी डेथ कर देता है, तो इसी वजह से ये एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। अच्छा दोस्तों, आगे हम मूव करें तो ये जो है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बीटा लैक्टामेज के खिलाफ बहुत ज्यादा है। ये बीटा लैक्टामेज जो है उसको रेजिस्ट करता है। अब यहां पर लफ्ज आ गया बीटा लैक्टामेज, तो बीटा लैक्टामेज बेसिकली ये एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया जो है वो रिलीज करते हैं। ये रेजिस्टेंस एंजाइम होते हैं जो कि किसी भी ड्रग को डिस्ट्रॉय करके उसके असर को जो है वो फायर कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं। लेकिन ये सेफक्विनोम जो है ये रेजिस्टेंट है बीटा लैक्टामेज, मतलब ये बीटा लैक्टामेज को बिल्कुल नहीं मानता, तो बीटा लैक्टामेज के खिलाफ इसका असर जो है बेहतरीन है। अच्छा बाकी दोस्तों, अगर चंद एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक की बात करें तो यहां पर उनकी मिसाल मैं जरूर देना चाहूंगा, जिस तरह अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये जो है पेनिसिलिन की फॉर्म्स है, ये भी सेमी सिंथेटिक जो एंटीबायोटिक के अंदर ये आती हैं। दोस्तों, ये जो सेफक्विनोम साल्ट है ये ह्यूमन साइड पे यूज नहीं होता, ये वाहिद एंटीबायोटिक है, या बल्कि और भी काफी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सिर्फ वेटनरी यूज के लिए, इसे सिर्फ जानवरों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब दोस्तों चलते हैं कि इसको कौन कौन सी बीमारियों के खिलाफ जो है असर यूज कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन के ऊपर इंडिकेशन अगर आप देखें तो उसके ऊपर जो कंपनी ने लिखा है कि इसको आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो बीमारियां फैलाते हैं उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं, लेकिन बीमारियों का नाम मेंशन नहीं किया। तो मजीद मैं कोई 5-6 बीमारियां आपको ऐसे बताता हूं जिनके लिए ये टीका जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस आप कह सकते हैं।
वैसे तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, दोनों बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बीमारियां फैलाते हैं और ग्राम नेगेटिव बीमारियां फैलाते हैं, उन दोनों पेस्ट को यूज किया जा सकता है। लेकिन ये 5-6 बीमारियां ऐसी हैं जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, उनके लिए आप ड्रग ऑफ चॉइस जो है एज अ यूज कर सकते हैं, आंखें बंद करके जो है सेफक्विन टीके को यूज कर सकते हैं। तो वो कौन सी बीमारियां हैं? 3 बीमारियां जो हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हैं, उनमें सबसे पहले जो है पास्टुरेला मल्टोसिटा, जिसे हम जो कि गल घोटू बीमारी फैलाता है, जिसे हम हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं। उसके अलावा IBR इंफेक्शियस बोवाइन रेनोट्रैकियाइटिस, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड बीमारी है, और बैक्टीरियल जो है नमूनिया, जो उसके खिलाफ इसके असरात बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा इकोलाई मस्टाइटिस, जिसे हम कोलीफॉर्म मस्टाइटिस भी कहते हैं, उसके लिए ये ड्रग जो है ये एक ड्रग ऑफ चॉइस आप उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है फुट रॉट, फुट रॉट की बीमारी जो है उसके अंदर जो है इसका बेहतरीन रिजल्ट है। और उसके अलावा जो है ये इकोलाई सेप्टिसीमिया, जो कि छोटे काफ्स के अंदर, छोटे बछड़ों के अंदर इकोलाई सेप्टिसीमिया का इशू जो होता है, उसके लिए ये सेफक्विन टीका जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, ये बेहतरीन चॉइस है उन बीमारियों के खिलाफ। तो ये चंद एक बीमारियां थी जिनके खिलाफ आप आंखें बंद करके जो है वो सेफक्विन इंजेक्शन को आप यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी डोज क्या होगी, डोज कितनी होगी? जो कंपनी ने इसके ऊपर जो मेंशन किया है वो उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ इसे इंट्रा मस्कुलर यूज करेंगे, आप ना तो इसे IV दे सकते हैं ना ही आप इसे सब कट लगा सकते हैं, सिर्फ इंट्रा मस्कुलर पट्ठों के अंदर आप इसे जो है वो यूज करेंगे। तो इसकी डोज जो है वो, डोज पर जाने से पहले बात कर लेते हैं कि इनको कौन से जानवरों के अंदर जो है इसका टीका लगाया जा सकता है। इसे आप कैटल के अंदर, गाय भैंस के अंदर लगा सकते हैं, और उसके अलावा पोल्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा शीप एंड गोट्स के अंदर भी आप इसे आंखें बंद करके यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने इसके ऊपर शीप एंड गोट्स का नाम पता नहीं क्यों नहीं लिखा, लेकिन आप जो है इसे यूज कर सकते हैं स्मॉल रूमिनेंट्स के अंदर, आप जो बीमारियां रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, मस्टाइटिस की बीमारियां जो है उसके अंदर जो है आप जो है आंखें बंद करके यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्रोवर्सी है हॉर्सेस के बारे में, कि हॉर्सेस में इसको यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जो ये गाजी ब्रदर वाले जो हैं, या ये जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कहती है कि घोड़ों में आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना। अब इसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं हूँ घोड़ों पे कि क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इंशाल्लाह कभी जो मुतलका कंपनी वाले बंदे से बात करके आपको मजीद इसके बारे में बता सकेंगे कि घोड़ों में ये टीका जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ऑफ लेबल अगर आप एक एक्सपर्ट वेटरनेरियन है, जहां पर आपको जरूरत पड़े, जहां पर समझते हैं कि सेफक्विनोम साल्ट को घोड़ों के अंदर यूज किया जा सकता है, तो आप एज ऑफ लेबल जो है आप इसको सेफक्विनोम को घोड़ों के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोज की। तो गायें भैंस के अंदर जो डोज आप इस्तेमाल करनी है वो 1 ml पर 25 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपने इसको इंट्रामस्कुलर यूज करना है। और जो है पोल्ट्री के अंदर वो आपने 0.08 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप जो है इंट्रामस्कुलर पोल्ट्री के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। और भेड़ और बकरी के अंदर 1 ml पर 25 kg बॉडी वेट के हिसाब से जो है आप जो है सेफक्विन या सेफक्विनोम जो है इसके अंदर फार्मूला है उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये सर थी डोजेज की बात। अच्छा, आगे आप चलते हैं कि इस कुछ प्रिकॉशंस हैं इस टीके की जो आपने लाजमी करनी है। अगर वो प्रिकॉशंस या हिदायात जो हैं आप उसको एज अ वेटरनेरियन फॉलो करेंगे तो इस टीके की आप जो है एफिकेसी को, उसकी पावर को जो है वो डबल कर सकते हैं। वो कौन सी प्रिकॉशंस है वो आगे चलकर उस पर बात करते हैं। जब टीका आप ये इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो आज अगर आपने एक साइड पे लगाया है, अगर आपने आज लेफ्ट साइड पे लगाया तो कल आप राइट साइड पे लगाएं। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आपने रोजाना उसी साइड पे नहीं लगाना, क्योंकि ये
किसी जगह पे टिश्यू डैमेज कर देता है, तो टिश्यू डैमेज की भी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो टिश्यू डैमेज का जो मसला है वो आपको विद इन 15 डेज के अंदर जो है वो हल हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात, इस ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ 2.5 घंटे हैं, कि 2.5 घंटे के अंदर जब आप ये टीका लगाते हैं तो 2.5 घंटे के अंदर ये टीका जो है इसकी मिकदार आधी रह जाती है। तो ये मतलब है क्विक जो है वो रिस्पॉन्स करता है, फौरन रिस्पॉन्स करता है। अब ये इसकी नेक्स्ट डोज कब लगानी है, एक फार्मूला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई टीका लगाते हैं तो उसकी नेक्स्ट डोज का आप अंदाजा किस तरह लगाएंगे। आपने 5 हाफ लाइफ का गैप देना है, मसलन कि अगर इस ड्रग की जो हाफ लाइफ है 2.5 घंटे बनती है तो 5 हाफ लाइफ से उसे ज़र्ब कर दें तो बनेगा 12.5 घंटे। मतलब इस ड्रग को 12.5 घंटे के बाद, पहले इंजेक्शन के बाद आप दूसरी डोज जो है वो लगा सकेंगे। 12.5 घंटे के बाद ये ड्रग जो है जब आप इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो ये 12.5 घंटे के बाद बॉडी से तकरीबन ही इलिमिनेट हो चुके होगी। तो उसके बाद जो है आप इस ड्रग को जो है 12.5 घंटे के बाद जो है आप जो है इसे दोबारा यूज करेंगे। अच्छा, एक बात जो इधर लिखी हुई है कंपनी की तरफ से कि आपने इसको जो है वो स्टोर करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड शेल नॉट बी रेफ्रिजरेटेड, और इसको रेफ्रिजरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इस ड्रग के बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ी सी रिसर्च की है, कि जो बेस्ट रिजल्ट अगर आपने लेना है तो इसको आपने 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने इसको रखना है। मतलब है 2 से अगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको रखेंगे, मतलब फ्रिज के नीचे वाले हिस्से के अंदर अगर आप इस टीके को रखेंगे तो इसका आप जो है वो बेहतरीन रिजल्ट जो है वो ले पाएंगे। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये भी है कि आपने जब इस ड्रग को यूज किया, मिसाल के तौर पर आपने ऊपर वाली ये ढक्कन उतार दिया और इसके अंदर सुई डाल दी, तो अब आपने इसको जो खुली हुई वायल है उसको ज्यादा से ज्यादा 4 वीक्स 28 दिन के अंदर अंदर जो है आपने इसको यूज करना है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है 28 दिन है, उसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो इसके एडवर्स रिएक्शन भी हो सकते हैं और एफिकेसी तो 100% बात वो कम होगी भी सही। तो ये बात आपने जेहन में रखनी है कि आपने इस टीके को जो है वो 4 हफ्तों के अंदर 28 दिन के अंदर अंदर वायल खुलने के बाद इसको यूज करना है। तो दोस्तों, ये बात थी सेफक्विन इंजेक्शन के बारे में, जिसके अंदर मौजूद है सेफक्विनोम 4th जनरेशन सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये इंजेक्शन है। ये तकरीबन हमारे पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम जगह पर ये निगलेक्टेड है, क्योंकि हमारे वेट्स को वो ज़्यादा इसके बारे में, हमारे जो कंपनियां हैं वो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं दे पाती, जिसकी वजह से हमारे वेट्स को इसके बारे में पता नहीं चल जाता। तो ये कंप्लीट टेक्निकल लेकिन आसान जो है इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये एक रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या मेरे चैनल्स की वीडियो अच्छी से लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो है नीचे लाइक लाजमी किया करें, और अगर और अच्छा करना चाहते हैं मेरे लिए तो मेरी वीडियोस को जो है वो शेयर कर दिया करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।